अस्सलाम वालेकुम। आज जो है हमारा जो है शोल्डर वर्कआउट है जिम में, तो जो है कल हमारा बैक का, कल जो है मैंने 85 केजी जो है डेडलिफ्ट मार ली थी, मैंने खुद अपना मैंने रिकॉर्ड जो है तोड़ दिया था। और अभी बताऊँ अपनी कमर किया था, तो कमर में लोअर बैक में थोड़ा जो है दर्द हुआ है, खैर वो रिकवर हो जाएगा 2-3 दिनों में, लेकिन ये कि एटलीस्ट मैंने कुछ प्रोग्रेस तो बना ली। और आज जो हमारा शोल्डर वर्कआउट है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी 3 एक्सरसाइज करेंगे आज शोल्डर की, क्योंकि 3 वो होते हैं आप लोग की मसल शोल्डर्स में, तो जो है हर एक्सरसाइज की जो हम 4 सेट करेंगे। और ये जो है क्या कहते हैं स्टार्ट करते हैं अपना वर्कआउट, सब अभी मौजूद हैं, बस थोड़ा वार्म अप करना है फिर स्टार्ट करते हैं फटाफट। तो भाई सबसे पहले जो है हमने आज जो है थोड़ी डिफरेंट एक्सरसाइज की, हम वैसे जो है डंबल से करते थे लेटरल रेज, लेकिन हमने जो है केबल से लगाई। तो जो है सबसे पहले जो है कादिर लगा रहा था केबल लेटरल रेज, इससे जो है अच्छा खासा स्ट्रेच आपको मिल जाता है अपने लेटरल हेड में शोल्डर के, और काफ़ी अच्छी एक्सरसाइज थी, मुझे बड़ा मज़ा आया करके। तो कादिर के बाद जो है फिर मेरी बारी आई थी, तो मैंने परफॉर्म की थी। पहली दफ़ा परफॉर्म किया तो थोड़ी मुश्किल हो रही थी, लेकिन ये कि अपना ट्राई किया मैंने, और जो मुझे अच्छा खासा इसमें स्ट्रेच फील हो रहा था और ज़ोर बहुत अच्छा खासा आ रहा था शोल्डर पर, मतलब डंबल से बेहतर मुझे ज़्यादा एक केबल में मज़ा आ रहा था। तो मैं जो फुल जान मार रहा था इसमें फेलियर तक ले जा रहा था। फिर जो है मेरे दूसरे हाथ की बारी आई थी, तो मैं जो हूँ दूसरे हाथ से कर रहा था और मुझे काफ़ी अच्छा जो है क्या कहते हैं इस पर ज़ोर आ रहा था। तो मैं कोशिश कर रहा था कि इसको जहाँ तक मैं अपने आप को पुश कर सकता हूँ पुश करूँ, और फुल फेलियर तक जो है इसको भी ले जाऊँ इस एक्सरसाइज को। अच्छा भाई, केबल के 2 सेट लगाने के बाद हमारी बारी आ गई थी फिर डंबल लेटरल इसके 2 सेट लगाने के। टोटल मुझे जो है 4 सेट करने, तो मैंने सोचा कि जो है 2 केबल से करते हैं सेट और 2 डंबल से करते हैं। तो शुरू में 2 केबल से करने के बाद जो है मैं डंबल लेटरल रेस पे आ गया था, और इसमें भी जो है अच्छा खासा ज़ोर आ रहा था मेरे। इसमें जो है आपका वैसे स्ट्रेच तो नहीं होगा मसल, लेकिन जो है इसमें ज़ोर अच्छा खासा आता है, उसमें जो है मैं बिल्कुल फेलियर तक पुश कर रहा था। थोड़ी इसमें फॉर्म आगे पीछे हो रही थी, लेकिन मैं थोड़ा स्विंग करके भी वेट जो है ऊपर ले जा रहा था। तो इसमें जो है फिर उसके बाद जो है मैंने अपना दूसरा सेट लगाया, मतलब एक तरीके से ये मेरा 4th सेट हो गया लेटरल रेस का। तो जो है ये मेरा लास्ट सेट था, इसमें जो है मैं कंप्लीट फेलियर तक ले जाने की कोशिश कर रहा था अपने आपको। शुरू में जितना परफेक्ट मैं फॉर्म रख सकता था मैंने रखी, उसके बाद जो है एंड में मैम थोड़ी ज़ोर मारने लगा, ताकि जब मैं इसको इतना पुश कर रहा हूँ अपने आप को, तो जो है अच्छा खासा एक मुझे पम्प भी मिल जाएगा शोल्डर में, और इसके अलावा जो है अच्छा खासा ज़ोर भी मुझे जो है अपने शोल्डर में मिल जाएगा। इसके बाद जो है कादिर की बारी आ गई थी, तो वो जो है अपना डंबल लेटरल रेस का सेट परफॉर्म कर रहा था, और कादिर भी जो है अच्छा खासा सही फॉर्म के साथ परफॉर्म करते हुए इसको फेलियर तक ले गया था अपने सेट को। फिर जो हमारी दूसरी एक्सरसाइज की बारी आ गई थी, जो कि थी शोल्डर प्रेस, जो आपके फ्रंट डेल्ट के लिए होती है। तो इसमें जो है सबसे पहले जो है 4 सेट लगाने थे, तो मैंने सबसे पहले स्टार्ट किया, और जो है मैं यही था इसमें गोल कि मैं जो हूँ इसको बिल्कुल फेलियर तक ले जाऊँ, जब तक मैं ऊपर डंबल्स ले जा ना पाऊँ। तो आप देख सकते हैं अभी देखें इसमें जो है मैं बिल्कुल डंबल्स मैं ऊपर ले जा नहीं पा रहा, तो मैं रुक गया था। फिर जो हमारा दूसरे सेट की बारी आ गई थी, इसमें जो है फिर मैंने वापस थोड़ा रेस्ट लेने के बाद स्टार्ट किया था दूसरा सेट। तो उसमें जो है वापस हमने स्टार्ट किया पुश करना, और इसमें भी जो है मैंने यही सोचा था कि दूसरे सेट में भी जो है फेलियर तक लेके जाएंगे, चारों सेट में इस तरह फेलियर तक ट्रेन करेंगे, ताकि मैक्सिमाइज हो जाए ग्रोथ हमारी। इसमें आप देख सकते हैं मैं फेल हो गया था। इसके बाद जो है फिर रूहान की बारी आ गई थी, तो रूहान ने अपना सेट परफॉर्म करना स्टार्ट किया। उसका भी यही था, शुरू में जितना सही अच्छा निकाल सकता है रैप्स निकालेगा, और एंड में जाके जब उससे नहीं लग रहे होंगे रैप्स, तो फिर जो है क्या कहते हैं वो भी रुक जाएगा, मतलब जब पुश नहीं कर पाएगा अपने आपको और ज़्यादा, तो इसने जो है फिर रोक दिया था। अभी जो हमारे 3 सेट हो चुके हैं शोल्डर प्रेस के, और जो है अब 14 सेट है मेरा। इसके बाद जो अपनी लास्ट एक्सरसाइज पे आएंगे, जो कि बैक शोल्डर के लिए होगी। 3 सेट हैं और 3 सेट मैंने फेलियर तक पुश किया, अब इसमें भी यही कर रहा हूँ, क्योंकि इससे जो है आपकी शोल्डर की ग्रोथ मैक्सिमाइज हो जाएगी, और फिलहाल बहुत मज़ा आ रहा है अभी करते हुए। बिस्मिल्लाह, इसमें भी फेलियर तक लेके जाएंगे। बारह पे फेल्ड, 4 सेट हो गए, अब जो लास्ट एक्सरसाइज करेंगे अपनी। अच्छा भाई, मेरे तो हो गए थे 4 सेट, लेकिन रूहान का सेट रहता था, तो रूहान भी जो है फिर अपना सेट लगा रहा था। ये भी जो है फॉर्म परफेक्ट रखते हुए अच्छे से शोल्डर प्रेस कर रहा था, और जो है ये भी बिल्कुल जो है बिल्कुल फेलियर तक लेके जा रहा था। इसमें जो है एंड में इससे थोड़ी वही स्ट्रगल कर रहा था, तो कादिर ने जो है इसको सपोर्ट दे दी थी। फिर जो है हमारी अपनी तीसरी एक्सरसाइज की बारी आ गई थी, जो कि होती है बैक शोल्डर के लिए रियल डेड फ्लाइज। तो जो है ये सबसे पहले कादिर परफॉर्म कर रहा था। इसमें जो आपका आपको झुक के लगाना होता है, ताकि आपके जोर जो है पीछे की तरफ आए शोल्डर के, तो ये भी बेस्ट एक्सरसाइज है। इसके बाद जो है मेरी बारी आ गई थी, तो मैं भी जो है इस पर लगा रहा था।
पिछले हफ्ते जो है मुझसे जो है कम वेट लगा था इस पर, लेकिन इस हफ्ते जो है थोड़ा वेट मुझसे इंक्रीज़ हो गया, और तो जो है मैंने वेट बढ़ा दिया था और उसके बाद जो है फिर मैं परफॉर्म कर रहा था और इस सेट को भी जो है मैं बिल्कुल फेलियर तक लेकर गया था। अभी जो है भाई हमारी तीसरी एक्सरसाइज चल रही है, उसके जो है दो सेट हो गए हैं। तो शुरू की दो एक्सरसाइज में जो है पहले तो हमने लेटरल की थी, वो बड़ा मज़ा आ गया था उसमें, और सामने फिर हमने शोल्डर प्रेस किया, उससे भी जो अच्छा खासा यहाँ पे लोड आया था फ्रंट शोल्डर पे। और अब जो है हम लास्ट एक्सरसाइज कर रहे हैं अपनी बैक शोल्डर के लिए, तो जो है इसमें अच्छा खासा भी मैं जो है पहले 5 किलो पे लगा रहा था, तो मुझसे जो है अच्छे खासे रेस्ट निकल ले, तो मैंने अब वेट इंक्रीज़ कर दिया उसमें। इसमें जो है मैं 6-6 किलो पे आ गया और लेटरल डिस्क में कब से 6 किलो पे अटका हुआ, मुझे समझ नहीं आ रहा मुझे खैर। तो ये जो है खैर अभी हमने दो सेट कर लिए, उसके बाद जब दो और सेट आएंगे और टेल फेलियर ट्रेन कर रहे हैं तो सबसे बेस्ट रहेगा वो हमारे लिए। और बाकी शोल्डर में अच्छा खासा भी जो है पेन फील हो रहा है, मज़ा आ रहा है। फिर जो है हम वापस बैठ गए थे अपना तीसरा सेट परफॉर्म करने, तो इसमें भी जो है हमने वापस स्टार्ट कर दिया था एक्सरसाइज़ को। और इसमें कोशिश ये होती है कि जब आप नीचे ला रहे हो डंबल तो जो है आप जो है स्लो से स्लो रखें, ताकि आपके जो है मसल पे पीछे अच्छा खासा जोर आए, और ख़ासकर वो जो ऊपर लेके जाते हैं जब मुझे जो है अच्छे से फील हो जाता है अपना मसल। इसके बाद जो है फिर कादिर की बारी आ गई थी, तो कादिर ने भी जो है वेट इंक्रीज़ कर लिया था क्योंकि उसको जो है वेट हल्का ही लग रहा था, तो उसने भी जो है वेट इंक्रीज़ करने के बाद जो है अपना अच्छे से परफॉर्म किया सेट, और एंड जब तक जो है वो पुश कर सकता था उसने किया। फिर जो है मैं अपना लास्ट सेट परफॉर्म कर रहा था, इसमें जो है फेलियर तक ले गया मैं एज़ ऑलवेज़, तो जो है ताकि मुझे एक अच्छा पम्प मिल जाए शोल्डर में और मेरी ग्रोथ भी जो है काफ़ी अच्छी हो जाए, क्योंकि मैं वीक में एक दफ़ा ही शोल्डर ट्रेन करता हूँ। और इसमें भी जो है मैं बिल्कुल एंड तक फाइट कर रहा था अपने रैप्स के लिए, जहाँ तक मैं ऊपर जब तक मैं पुल कर सकता था मैंने किया, कोशिश की मैंने अपनी बिल्कुल। अच्छा भी अभी जो हमारा वर्कआउट हो गया फिनिश, और जो है बड़ा अच्छा वर्कआउट गया शोल्डर का, तो जो है अभी यहाँ कादिर भाई अभी लगे मैं अपना लास्ट सेट कंप्लीट करने में, फेलियर तक ले जा रहे हैं। और मैं जो है अपने चारों सेट कर ली, चारों फेलियर तक ले गया, उसके अलावा जो दो और एक्सरसाइज की थी उसमें भी मैं मोस्टली फेलियर तक ले गया। शोल्डर में जो है ये होता है आप एक्सरसाइज अपनी फेलियर तक ले ही जाते हो, उसमें आराम से हो जाता है, उसमें इतना मसला नहीं है ना, कोई रिस्क वगैरह नहीं है इतना। तो मैं तो खैर यही करता हूँ कि मैं जो है ले जाता हूँ, बाकी जो है भाई शोल्डर में बड़ा अच्छा पंप आया हुआ है। और जो है पीछे जो है क्या कहते हैं वहाँ वॉल देख सकते हैं, ये रूहान वर्कआउट कर रहे हैं वहाँ, उसका भी लास्ट साइड अच्छा वो कर रहा है। फिर उसके बाद जो है हम सबका जो है वर्कआउट फिनिश हो जाएगा। तो ये कि आज जो है बड़ा अच्छा वर्कआउट चला ही है और मज़ा आया। और एक अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो लाइक करिएगा, चैनल करिएगा सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ इंशाल्लाह आप लोग से कल, कल जो है ट्राइसेप भी होगा हमारा, तो ट्राइसेप ट्रेंस करते हुए आप लोगों को जो आप दिखाएंगे। और एक वीडियो लाइक करिएगा, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह अगले ब्लॉग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।